वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल चैनल। आज हम ईमेल लिखना सीखेंगे। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इंटरनेट के थ्रू आपकी चिट्ठी जो विद इन सेकेंड्स जाती है और वापस उसका जवाब मिलता है। आज के ज़माने में पुराने ज़माने की तरह बहुत देर इंतज़ार करने वाला तो वक्त रहा नहीं। सबको चाहिए कि तुरंत लिखें, तुरंत जवाब आए। लेकिन ईमेल के लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये नहीं कि आपने उसको स्लैंग लैंग्वेज लिखी, जैसे कि या, नो को, नप, वो सब नहीं चलता ईमेल में। ईमेल की शुरुआत होती है ईमेल आईडी से। आपको जिसको भी ईमेल लिखना होता है उसका ईमेल आईडी, जैसे कि abmcomputers@gmail.com, ये उनका एड्रेस है जिनको आपको ईमेल लिखना है। तो आज हम ईमेल लिखेंगे। एक मान लीजिए आपने एक पेपर में ऐड देखा जिनको एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। एबीएम कंप्यूटर्स एक नई कंपनी खुली है और उनको अभी एडमिनिस्ट्रेटर की, स्टाफ की, सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक ऐड डाला है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। वो ऐड जब आपने पढ़ा तो आपको ऐसा लगा कि आप उस पोजिशन के लायक हैं और आप कंपनी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें। तो उस चीज़ को आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे? आप अपने बारे में डिटेल्स उनको मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम डिटेल्स कैसे पहुंचाएंगे? ये आज हम सीखेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट एन ईमेल फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ रेड एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द पोस्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर विच इज़ वेकेंट एट एबीएम कंप्यूटर्स। सो एबीएम कंप्यूटर्स, वो उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है जिस पे आपको अपना रिज्यूम यानी करिकुलम विटे, यानी आप अपने बारे में, जो भी आपके बारे में है, किस स्कूल से पढ़े, आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं, किस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है, और सबसे मेन आपका वर्क एक्स यानी वर्क एक्सपीरियंस। आप अपने रिज्यूम के साथ साथ, रिज्यूम तो एक ऐसी चीज़ हो गई जो आपको रेडी करके रखना है, उसको तो आप अटैचमेंट में लगाएंगे। अटैचमेंट यानी एक वर्ड फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट जिसको आप साथ में मेल के लगाएंगे। लेकिन आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए। कवरिंग लेटर लिख रहे हैं आज हम, तो आप देखिए इसका फॉर्मेट समझिए। टू यानी सेंडर्स एड्रेस, हमारे ये टू में आएगा रिसीवर्स एड्रेस, CC BCC। यानी मान लीजिए आपको किसी और को भी ये ईमेल देना है। सपोज आपने एबीएम कंप्यूटर्स को भी अप्लाई किया है और उन्होंने लिखा है कि उनके ही दो मेल आईडी हैं, उन्होंने लिख के भेजा है आपको कि हमारा दूसरा मेल आईडी है abmcomp@yahoo.com। मान लीजिए उनके दो मेल आईडी हैं, तो आप इसका सीसी यहाँ लिखेंगे, abmcomp@yahoo.com। या अगर आप नहीं चाहते कि दूसरा कोई इसको समझे कि आपने दो जगह लिखा है, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखेंगे। आप abmcomp@yahoo.com जब लिखेंगे यहाँ, तो उन दोनों में से किसी को ये नहीं पता लगेगा कि आपने मेल दूसरे किसी को भी भेजा है। तो ये आपको 2CC BCC का मतलब समझ आ गया। अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका मेल पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ते ही उस आदमी तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि आप किस बारे में लिखे हैं मेल। तो आप अभी करके आ रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये तुरंत समझ जाएंगे कि इन्होंने ऐड दिया था पेपर में, उसके जवाब में आपने ये ईमेल उनको लिखा है। ईमेल का यहाँ तक आपने देखा कि ये फॉर्मेट है, इसमें चाहे इस तरीके से लाइंस बना दीजिए, चाहे मत बनाइए, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब आते हैं हम लोग सैल्यूटेशन पे। डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, दोनों चलेंगे। आप मान के चलिए ये मार्जिन है, तो आपको यहीं कोने से ही शुरू करते जाना है सब चीज़ें। आपको सबसे पहले ईमेल में ये बताना है कि आपने ये एडवर्टीजमेंट कब कहाँ पढ़ा। उसी के तो आप ये लिखेंगे, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, दिस इज इन रेस्पॉन्स
टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन ABM computers in कौन से पेपर में निकला था in Times of India dated. आपको डेट पता नहीं, बहुत जरूरी है आपने कब पढ़ा. हो सकता है उन्होंने लगातार कोई 3-4 दिन ऐड दिए हो, आपको ये जरूर बताना है. डेटेड सपोज 27 May 2018, आपने इस दिन ये पढ़ा. This is in response to your advertisement for the post of administrator in ABM computers in Times of India dated 27th May. इसमें आपने कितनी चीज़ें बता दी. आप एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में लिख रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, ABM computers को लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है और इस डेट पे. ये चीज़ें आपको सबसे शुरू में बतानी है. अब आपको ये बताना है अपने बारे में कि अगर आपने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपने कोई खूबी तो होगी जो आपको लगता है. तो आप सबसे पहले बता सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं. आई हैव बीन वर्किंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड सपोज कोई आप स्कूल में पढ़ाते हैं, RKS स्कूल. For I have been working as the administrator at RKS school for past 7 years and I believe that I have the caliber to lead people. Yani एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, उसको एक बॉस की तरह लीड करना होता है, उसे पीछे नहीं आगे चलना है. आई हैव बीन वर्किंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर एट RKS स्कूल. स्कूल इसलिए क्योंकि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है सिमिलर टू स्कूल. आप स्कूल, कॉलेज या कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ले लीजिए, आप हॉस्पिटल या कोई और चीज़ को अवॉइड करिए यहाँ लिखना, क्योंकि आपने ये देखा है कि कंप्यूटर्स स्कूल में भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स स्कूल में भी होते हैं. बच्चों को हैंडल करना, टीचर्स को हैंडल करना, वो एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी होती है. बस इंचार्ज को हैंडल करना, तो एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज़ काफ़ी होती हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट व्हेन यू आर राइटिंग अ ईमेल यू राइट स्कूल इफ इट इज़ रिलेटेड टू सम कंप्यूटर थिंग. फॉर द पास्ट 7 years एंड आई बिलीव दैट आई हैव द कैलिबर टू लीड पीपल. यानी मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, मुझे ये बताना है कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. अदरवाइज आई वुड हैव अप्लाइड फॉर सम स्मॉलर पोस्ट. अब आपने अपने बारे में ये बता दिया कि मेरे में क्या क्वालिटी है, तो आपको ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि मेरी एजुकेशन के अलावा मेरे पास और कौन सा वेपन है बिसाइड्स एजुकेशन. तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड पैरा. एक ईमेल में 4 पैराग्राफ से ज़्यादा ना लिखें तो बहुत अच्छा है, 3 भी बहुत हैं. Besides my masters in business administration. देखिए MBA को masters in business administration कहते हैं. आपको ये सब यहाँ नहीं बताना है कि आपने कहाँ से किया, कितने परसेंटेज आए, क्या आपका अचीवमेंट था, वो सब यहाँ नहीं, वो रिज्यूम में चला गया. Besides my masters in business administration, I have pursued. यानी आपने किया है परसून अ स्पेशल ट्रेनिंग इन लीडरशिप फ्रॉम USA फॉर 3 years या 3 years ज़्यादा लग रहा है आपको, 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, दैट डजंट मैटर मच. आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, आप इसको उसके बाद आपने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली लीडरशिप में USA से. आप इसको चाहे तो 2 years 3 years जो भी करना है, उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. ये चीज़ आपने लिखी. अब देखिए इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है कि उन्होंने देखा कि आप एक तो मास्टर्स हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में,
आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी रह चुके हैं और आपके पास 7 ईयर्स का वर्क एक्स है. वर्क एक्सपीरियंस मीन्स वर्क एक्स. तो आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहें? जैसे मेरे पास ये है एंड आई फर्मली बिलीव, मेरा कहना ये है, मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ, आई फर्मली बिलीव दैट आई कैन बी अ गुड लीडर. आप अपने आप के लिए कह रहे हैं आई कैन बी अ वेरी गुड लीडर, आई कैन लीड द टीम एंड टीम वर्क हैज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट चॉइस. या कुछ और भी आप लिखना चाहें. आप टीम वर्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीम वर्क में ही आजकल काम होता है. अब वो जमाने गए कि आप अकेले सब काम कर लेंगे, सारा क्रेडिट आप अपने आप ले लेंगे. कहीं से कहीं तक ये पॉसिबल नहीं है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर पूरी इंस्टीट्यूट को अकेला संभाल ले, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू फर्मली बिलीव दैट आई कैन बी अ गुड लीडर. एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू बी अ वेरी गुड लीडर एंड टीम वर्क हैज़ ऑलवेज बीन माय फर्स्ट चॉइस. आपको काम का अलॉटमेंट करना आना चाहिए. तो आपने क्या करा, अपनी एक टीम डेवलप करेंगे, टीम में से आप सबको एक एक काम पकड़ाएंगे एंड यू बिलीव इन टीम वर्क. अब देखिए ये इंस्टीट्यूट नया खुला है, इनके पास स्टाफ वगैरह नया नया आ रहा है, सब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि टीम में काम करने वाला एक कराने वाला आदमी होना चाहिए जो एक टीम की तरह काम करा सके. सो यू बिलीव इन टीम वर्क. अब हम आते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ में. ये सब आप देख लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और अब आते हैं थर्ड यानी कंक्लूजन. अब आपने क्या किया, अपने बारे में सब बता दिया, जितनी डिटेल लेनी थी आपने बता दी कि कहाँ से आपने पढ़ा, कितनी आपको डिटेल्स देनी थी वो आपने सारी दे दी. अब आप क्या करते हैं, दो चीज़ें बताते हैं उनको. एक तो ये कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माय रिज्यूम, करिकुलम विटे जिसे कहते हैं, रिज्यूम विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ वर्ड ज़रूरी है. फोटोग्राफ ये नहीं कि आपने 4 साल पहले की लगाई, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्टिकुलर एज का चाहिए, एक पर्टिकुलर लुक्स का चाहिए, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लुकिंग चाहिए, कहीं पर वो कहते हैं हमें बहुत फ्रेंडली लुकिंग चाहिए. तो आपकी लुक्स भी काफ़ी मायने रखती हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अटैच द लेटेस्ट फोटोग्राफ. प्लीज़ फाइंड अटैच माय रिज्यूम विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ. अब आप क्या कर रहे हैं, होपिंग टू हियर अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड सून. आपने उनको लिखा, अपने बारे में लिखा, अब आप एक उम्मीद करते हैं कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे. तो आप लिखेंगे होपिंग टू हियर अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड सून या ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. आप ऐसे भी लिख सकते थे इस लाइन को, देखिए अगर ये नहीं लिखना है, ईगरली वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम योर साइड. या और एक तीसरा तरीका है एंड करने का, मैं वो भी दिखा देती हूँ. ये और फॉर्मल है, योर रिस्पॉन्स इज ईगरली अवेटेड. ये भी एक बहुत अच्छी इंग्लिश है, अवेटेड यानी उसका इंतजार है. योर रिस्पॉन्स इज ईगरली अवेटेड. इनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं. फिर सिंसियरली योर्स. आप अपना नाम मान लीजिए मोहित गुप्ता और अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ये दे सकते हैं. नहीं तो यहाँ आपकी एक फाइल अटैच्ड है जिसमें आपका रिज्यूम है, तो इसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स 100% होंगी. बट अगर ये मेल है तो इसमें इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट मोहित गुप्ता एंड अपना ईमेल आईडी.
ये एक फॉर्मेट इस तरीके का बना हुआ है जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। धन्यवाद दोस्तों, और साथ में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भी मोटिवेशंस वीडियो जो स्टूडेंट मोटिवेशंस वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे, आप पुरानी वीडियोस काफी हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी कोई राय हो तो जरूर कमेंट में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।